चैप्टर टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर। हमने प्रोटीन्स को देखा था, हमने देखा था कि प्रोटीन्स जो हैं वो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स किस तरह से बनते हैं, उनकी क्या कंपोजिशन होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि तमाम जितने भी प्रोटीन्स हैं उन सबकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। वो डिफरेंट किस तरह से होती हैं? वो डिफरेंट इस तरह से होती हैं कि हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं वो किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में पाए जाते हैं हर प्रोटीन के अंदर। और वो जो सीक्वेंस है ना सिर्फ वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ हमारे लिए उस मॉलिक्यूल का की शेप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। शेप से, उसके स्ट्रक्चर से प्रोटीन मॉलिक्यूल का ओवरऑल बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़ हम कह देते हैं कि जो प्रोटीन है स्ट्रक्चरली प्रोटीन्स की हम फोर लेयर्स बना लेते हैं, फोर लेवल्स बना लेते हैं उसको स्टडी करने के लिए। जो फर्स्ट लेवल आ जाता है हमारे पास उसको हम कहते हैं जी, पहला लेवल है हमारे पास प्राइमरी लेवल, या उसे हम कहेंगे जब स्ट्रक्चर की बात करें तो हम उसे कहेंगे जी ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसा कि प्राइमरी नाम से ही आपको कुछ अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि प्राइमरी हम उन चीज़ों को कहते हैं जो बहुत ही सिंपल होती हैं। जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होगा जो कि बहुत ही सिंपलर होगा प्रोटीन्स के केसेस में। अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर हम कहेंगे जो लीनियर स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये प्रोटीन्स हैं, एक हमारे या अमाइनो एसिड है, ये एक हमारे मेरे पास अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, इस तरह से डिफरेंट मेरे पास अमाइनो एसिड हैं और ये तमाम के तमाम अमाइनो एसिड जो हैं वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू लीनियर चेन में प्रेजेंट हैं, यानी कि एक स्ट्रेट चेन बनती जा रही है इनकी। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास प्रोटीन की लीनियर शेप होती है, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। सीक्वेंस जो अमाइनो एसिड्स हैं के हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होगा। तो इस तरह की चीज़ को, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। एफ सेंगर हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है प्रोटीन मॉलिक्यूल अंदर उसको डिटरमिन किया, यानी कि हमारे पास ये अमाइनो एसिड्स हैं डिफरेंट, ये एक ए अमाइनो एसिड है, ये बी है, फिर उसके साथ ए है, फिर लेट सपोज डी है, सी है, एफ है, डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास अमाइनो एसिड की। तो इस तरह से एफ सेंगर जो है हमारे पास साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिटरमिन किया प्रोटीन के अंदर। इसके बाद जो है वो काफ़ी वर्क होता गया इसके ऊपर। डिफरेंट एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास एक इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन है और इंसुलिन के अंदर हम कहते हैं कि टोटल 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और 51 अमाइनो एसिड्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि हमारे पास दो चेन्स होती हैं। एक चेन सपोज ये हमारे पास एक चेन है और ये हमारे पास दूसरी चेन है। एक चेन के ऊपर हमारे पास 21 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं और जो दूसरी हमारे पास चेन है उसको हम कहते हैं इस पर 30 अमाइनो एसिड्स हैं। तो ओवरऑल अमाइनो एसिड्स, तो ये कुल मिला के हमारे पास 51 अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। और ये जो दो चेन्स हैं आपस में, ये दोनों किस तरह से अटैच हैं आपस में? दोनों जो हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू अटैच है हमारे पास। यूँ सल्फर जो है वो प्रेजेंट है इसके दरमियान में और यूँ हमारे पास जो है वो ये दो चेन्स आपस में कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास ओवरऑल हम कहते हैं कि ये एक इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। इंसुलिन जो है हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल को हम देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हम हीमोग्लोबिन को आप जानते होंगे, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन। काम क्या होता है जी इसका? काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे पूरे बॉडी के अंदर से।
ब्लड जो हमारे हार्ट से तमाम सेल्स के अंदर जाता है, तो उसके साथ जो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो पहुंचती है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू पहुंचती है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन के बेसिकली फोर चेन्स होती हैं, और इन फोर चेन्स के ऊपर कुल मिला के हमारे पास अगर हम टोटल अमाइनो एसिड्स देखें तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फोर चेन्स हैं ये किस फॉर्म में होती हैं? फोर चेन्स में हम कहते हैं कि जी फोर चेन्स में से दो चेन्स जो हैं वो हमारे पास अल्फा चेन्स हैं और दो चेन्स जो हैं वो बीटा चेन्स। अल्फा चेन्स क्या हैं? अल्फा चेन्स जो हैं उनके हर एक अल्फा चेन के ऊपर 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। इसी तरह हर बीटा चेन के ऊपर हमारे पास 146 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो ये टोटल अगर हम करें तो ये हमारे पास 574 अमाइनो एसिड बन जाते हैं। तो ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया हीमोग्लोबिन का। बिल्कुल इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो बाकी तरह के प्रोटीन्स है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन डिफरेंट तरह के प्रेजेंट है, लेकिन इनको बनाने के लिए अगर हम अमाइनो एसिड्स को देखें तो वो सिर्फ 20 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की, जो कि डिफरेंट सीक्वेंस में और डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और उनके सीक्वेंस हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स, और आप देख सकते हैं कि 10,000 जो हैं वो प्रोटीन्स बन जाती हैं। और ये जो सीक्वेंस, अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की, तो ये सीक्वेंस कहाँ डिटरमिन होता है? ये सीक्वेंस जनाब डिटरमिन होता है आपके डीएनए के अंदर। डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऐसे आपके पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है जी? पहले आपके पास कौन सा अमाइनो एसिड आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, ठीक है? इस तरह से हम सीक्वेंस की जब बात करें तो ये सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले ए, फिर बी, फिर लेट सपोज एफ, और फिर आपको आई चाहिए। कोई भी अमाइनो एसिड्स में आप की एग्जांपल अगर हम देखें, अगर ये चेंज हो जाए, या आप ऐसे समझ लें कि यही चेन अगर हम यूं बना लें कि बी पहले आ जाए और ए बाद में आ जाए और एफ और आई अपनी जगह पे हो, तो इस एक अमाइनो एसिड की पोजीशन के चेंज हो जाने से होगा क्या कि ये पूरा का पूरा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये फंक्शन नहीं कर सकेगा, इसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ये नॉर्मल नहीं रहेगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन से प्रोटीन, किस प्रोटीन के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड है, वो पहले है, फिर बाद में है, फिर बाद में है, किसके साथ कौन सा अमाइनो एसिड अटैच है। और इनके जो सीक्वेंस है इनके चेंज हो जाने से हमने आपको बताया कि जो प्रोटीन है वो पूरा का पूरा काम नहीं करता, उसकी जो फंक्शनिंग है वो ख़त्म हो जाती है। इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, हम कहते हैं जी एक डिज़ीज़ है सिकल सेल एनीमिया। आपने कुछ लोगों ने पहले इसको अपने मैट्रिक के बुक्स में भी पढ़ा होगा, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया क्या है जी? एनीमिया वो बीमारी है जिसके अंदर आपके बॉडी के अंदर जी खून की कमी हो जाती है, खून जो है वो कम हो जाता है। अक्सर लोग जो है वो पेल पेल नज़र आते हैं, उनको उनको यही प्रॉब्लम होता है एनीमिया का। ये होता क्यों है? सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके पास जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है, आपके पास यूं डिस्क जो है वो बनी हुई होती है, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया जिन पेशेंट्स को हो जाता है उनके बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस किस्म का बन जाता है, आपके पास सिकल शेप बन जाती है इस तरह की। नॉर्मल जो आपके पास एक राउंड या एक ओवल शेप थी वो नहीं रहती, और इससे होता क्या है? अल्टीमेटली होता ये है कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है हीमोग्लोबिन में वो नहीं कर पाता। तो ये होता क्यों है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल के हीमोग्लोबिन के अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, और इससे होता क्या है जी? आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम हो जाएगा। ब्लड क्यों कम होगा? ब्लड इसलिए कम होते हैं, हम कहते हैं कि जी नॉर्मली जो
ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होनी थी वो नहीं हो पाती, वो कम होती है और ये अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये तो हमने देख लिया सिकल सेल एनीमिया को। नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमने देखा कि वो क्या है जी, डिफरेंट तरह के आपके पास अमाइनो एसिड लीनियर फॉर्म में एक लाइन में अटैच हुए हुए थे, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी से इसी तरह से डिफरेंट है कि इसके अंदर थोड़ी सी आप कह लें कि कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखना चाहें तो हम कहेंगे कि जी हेलिकल स्ट्रक्चर अगर हमारे पास आ जाए यूँ इस फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि ये जो फॉर्म है ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। इसके अंदर ये होता है कि मॉलिक्यूल जो आपके पास अमाइनो एसिड है वो फ्लैट नहीं रहते बल्कि वो कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं। हेलिकल जैसे कि आपने डीएनए के स्ट्रक्चर में डबल हेलिक्स पढ़ा था, एक हेलिक्स दूसरा दो हेलिक्स डबल हेलिक्स हो गया था, लेकिन अब जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को पढ़ें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब ये जो मैंने आपके पास एक स्ट्रक्चर बना लिया है कॉइल से बना लिया है, बेसिकली है क्या, ये है वही आपके पास अमाइनो एसिड भी हैं जो कि इस फॉर्म में अटैच हुए हुए हैं। कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल जब हम इसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी आप हमारे पास एक कॉइल्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर बन गया है अमाइनो एसिड्स का। अब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है इसके अंदर बेसिकली है क्या, इसके अंदर हम कहते हैं कि हर एक टर्न के अंदर, जैसे ये एक टर्न है आपके पास, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3.6 अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट है। 3.6 अमाइनो एसिड हर एक टर्न के अंदर। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है, यानी कि ये जो आपके पास बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट इसके कॉर्नर्स के ऊपर एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो क्या है, वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हर टर्न के ऊपर हर स्पाइरल के ऊपर प्रेजेंट है। अगर हम आपको डायग्राम में दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह की डायग्राम इसकी बनेगी। हमारे पास एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक टर्न है और हर टर्न यू डिफरेंट टर्न, और हर टर्न के ऊपर हमने कहा है कि 3.6 जो है वो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं जो कि है टर्शरी स्ट्रक्चर।